हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए फिर एक मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, दोनों संख्या को ज्ञात करने के लिए बोला गया है। पहले आपको संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या मानते हैं? माना माना बड़ी संख्या x मान लेते हैं तथा छोटी संख्या y मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। यहाँ पे क्या कहें, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग। ठीक है, दोनों संख्या के वर्ग अंतर, अंतर मतलब घटाव होता है दोनों संख्या के। इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर मतलब माइनस कितना दिया हुआ है? 180। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। चलिए आगे जो दिया है, पुनः प्रश्नानुसार देखिए, दूसरे शर्त में बोला गया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, मतलब वाई का वर्ग, छोटी संख्या वाई है ना, वाई का वर्ग क्या है? बड़ी संख्या एक्स, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो कितना ये बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो मैंने 8x, एक्स को 8 से गुना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए समझ गए हम। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, समझ गए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर का मान, इसको हम समीकरण 1 बना के इसमें रख देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखते हैं y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर y स्क्वायर का मान, समीकरण है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो क्या लिख सकते हैं, 8x बराबर 180। कोई दिक्कत? अब देखिए ये समीकरण बन गया, इसको क्या करना है आपको, हल करना है। हल करके x का मान आपको ज्ञात कर लेना है पहली बार। ठीक है, देखिए y स्क्वायर का मान यहाँ रखे हैं, तो आप 180 का खंड करके आपको 8 लाना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, 18 को 10 से गुना 180 हो जाएगा, माइनस 18 10 माइनस में 8 हो जाएगा। गुणनखंड आपको आता ही होगा, इसको इधर ला लेते हैं तो माइनस में 180, ये बराबर 0। कोई दिक्कत? 180 को इधर लाए हम। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए दोनों में x कॉमन लेते हैं, x माइनस यहाँ 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ 10 कॉमन लेते हैं तो x माइनस यहाँ भी 18 हो जाएगा बराबर 0। एक्स माइनस 18 कोष्ट के अंदर और एक्स प्लस 10 बराबर 0 लिखते हैं। जब एक्स माइनस 18 बराबर 0, तो एक्स और कितना, 18, यहाँ लिखते हैं। जब एक्स प्लस 18 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 18। ठीक है, सॉरी यहाँ 10 है, x प्लस यहाँ पे 10 है, यहाँ जो माइनस में 10। ठीक है, आपको माइनस वाला नहीं लेना है, ये लेना है x बराबर, ठीक है, माइनस नहीं लेना है, x बराबर 18 लेने पर यहाँ पर लिख देते हैं। कोई दिक्कत? आराम से निकल गया संख्या। देखिए यहाँ पे x माने हैं बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या निकल के आ गया, बड़ी संख्या कितना हो गई है 18। छोटी संख्या देखिए, यहाँ पे छोटी संख्या हम y का मान होता है ना, तो y पे हम यहाँ पर निकाल लेते। देखिए y स्क्वायर बराबर 8x, कोई दिक्कत? तो देखिए तो y स्क्वायर के बराबर 8 गुने x का मान 18 है, तो 18 तो y स्क्वायर बराबर 18 को 8 से गुना 144 हो जाएगा, तो वाई पर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 144, तो वाई बराबर
यहाँ पे 12, ये भी आपका आंसर हो गया एक संख्या, ये भी है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।